चिंकी चिंकी चिंकी, तुमने मेरी नई बाइक देखी? बहुत अच्छी बाइक है मेरी, आओ दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो कितनी अच्छी बाइक है। अरे तुम कहाँ बैठ रहे हो? उधर 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 जल्दी उधर उधर, तुम मत बैठो मेरी बाइक पर, उधर जल्दी उतरो। अरे मुझे एक बार बैठने तो ना। नहीं 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 बैठना है, मेरी बाइक गंदी हो जाएगी, समझी? अरे मेरे बैठने से तुम्हारी बाइक कैसे गंदी हो जाएगी? क्योंकि तुम गंदी हो इसीलिए मेरी बाइक भी गंदी कर दोगे, समझी? अब मुझसे बहस मत करो। एक मिनट, ये क्या है यहाँ पे? इतना बड़ा बड़ा पत्थर किसने रखा? अरे वो आइस पापा ने रखा है, कह रहे थे कोई काम है इस पत्थर का। पत्थर का कौन सा काम है, चल के देखता हूँ। अरे ये पत्थर किस चीज का बना है? पत्थर तो पत्थर का ही बना होता है, लेकिन मेरे घर में तीन तीन बड़े बड़े पत्थर क्यों रखे हैं? चलो पापा से पूछता हूँ। लावा पापा कहाँ है आप, कहाँ है आप, ये बताइए ये पत्थर क्यों रखा है? लावा पापा कहाँ है आप, लावा 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 पापा कहाँ है आप? अरे पक्के बेटा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? ये क्या करते रहते हो, पागल कहीं के? मेरी इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया लावा पापा। अरे पक्के, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें डांट रहा था पागल। अरे लावा भाई, तुम्हारे बेटे का दिमाग हिल गया है लग रहा है मुझे। ए आई स्कॉट माई स्कॉट चाई स्कॉट पाई स्कॉट, ज्यादा मत बोलो समझे? मैं बस अपने पापा से मजाक कर रहा था, मेरा कोई दिमाग नहीं हिला है, अभी तुम्हें मारने लगूंगा। अरे लावा गॉड, अपने बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखाओ। अरे आई स्कॉट, तुम मेरे बेटे की चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी की चिंता करो बस। अरे आप दोनों लड़ाई करना बंद करिए और मुझे बताइए कि हम लोग के घर में इतना बड़ा बड़ा पत्थर किस काम के लिए आया है? वो पत्थर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए हमने ला के रखा है वहाँ पे। अब वो काम तभी होगा जब फ्रैंकलिन और शिनचैन यहाँ पे आएंगे, तो तुम लोग का यही काम है कि जाओ फ्रैंकलिन के घर और उसे बुला के लाओ। अरे चिंकी, अब ये तुम्हारी क्या नौटंकी शुरू हो गई? क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों रो रही है मेरी बच्ची? बताओ मेरी बच्ची क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारी बच्ची रो नहीं रही है आइस गॉड, तुम्हारी बच्ची नाटक कर रही है, ऐसे कोई रोता है क्या? जब मैं छोटा था तो कैसे रोता था दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे रोता था। और ये कैसे रो रही? ऐसे ऐसे रोती है। आइस पापा, मुझे भी पुक्की जैसे बाइक चाहिए, इसीलिए मैं रो रही थी। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हें बाइक दिला देंगे, लेकिन आज नहीं कल दिलाएंगे। तो सबसे पहले जाओ पुक्की के साथ फ्रैंकलिन को बुला के यहाँ पे लेके आओ, ताकि हम उस पत्थर का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। चलो आ जाओ चिंकी, चलो चलते हैं फ्रैंकलिन के घर। अब तुम्हें बाइक का अपना जलवा दिखाता हूँ, कितनी स्पीड में भागती है मेरी बाइक। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाइक चलाने का बहुत मन कर रहा है। और हाँ, अगर गिरी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तेज स्पीड में बाइक चलाता हूँ, समझी? और जब बाइक इतनी अच्छी हो तो क्या बात है, मजा ही आ जाता है बाइक पे चलाने में। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अरे पुक्की, बैठ रही हूँ, थोड़ा धीरे चलाओ, मैं गिर ही जाऊंगी, थोड़ा धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। ये देखो चिंकी, हम लोग फ्रैंकलिन के घर पहुंच गए, अगर धीरे धीरे चलाता ना तो 100 जन्म लग जाता फ्रैंकलिन के घर पहुंचने के लिए, इसीलिए तेज चला रहा था। ए फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कहाँ है तू? फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, फ्रैंक, फ्रैंकलिन। अरे अरे शिनचैन, क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मुझे भी खाना है, क्या बना रही हो? अरे मैं भाभी क्यों बना रहा हूँ, मैं तुम्हें को नहीं दूंगा, भाग जाओ यहाँ से, चल 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 पतली गली से निकल। मुझे खाना भी नहीं, तुम्हारा भाभी क्यों, चाबी क्यों, टाबी क्यों, मापी क्यों, जाओ खाओ अपना नहीं खाना मुझे, आ जाओ चिंकी नहीं खाना हम लोग को। हाथ ऊपर हाथ नीचे, हाथ ऊपर हाथ नीचे, योगा करने में तो मजा ही आ जाती है। अरे फ्रैंकलिन, योगा तो बूढ़े लोग करते हैं।
बूढ़े हैं, तुम भी बूढ़े हो गए क्या? अरे पुक्की तुम कब आ गए? योगा बूढ़े लोग नहीं करते हैं, समझे? योगा वो लोग करते हैं जो लोग फिट होते हैं या फिर जिसको फिट होना चाहिए, और योगा करने से कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तुम बच्चे लोग क्या जाना, तुम लोग बस खाली लॉलीपॉप खाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, यही करना आता है तुम लोग को बस। योगा तुम लोग क्या जानोगे? चलो चलो, मुझे करना भी नहीं है योगा। मैं तो बस यहाँ पे ये बताने आया था कि लावा गॉड और आइस गॉड ने तुम लोग को बुलाया है, तुम्हें और शिनचैन को टाइम पे पहुँच जाना, समझे? वरना लावा गॉड कैसा है तुम्हें पता है ना, क्या करता है लावा गॉड? मैं तुम्हारे पापा लावा गॉड का नौकर नहीं हूँ, समझे? कि जब तुम लोग बुलाओगे मैं वहाँ पे चला आऊंगा। ठीक है, फिर मैं जाके पापा से बोल देता हूँ कि फ्रैंकलिन कह रहा था कि मैं तुम्हारे पापा का नौकर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ऐसा मत करना, वरना लावा गॉड तो भाई हम लोग की चटनी ही बना देगा। ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मैं अभी टाइम पे पहुँच जाऊंगा। और हाँ शिनचैन, तुम भी टाइम पे आ जाना अपना बारबेक्यू चारबेक्यू मारबेक्यू खा के, ठीक है ना? अरे ठीक है जाओ तुम लोग, हम लोग आ जाएंगे टाइम पे, जाओ निकल लो यहाँ से पतली गली से। आ जाओ चिंकी, आ जाओ, चलो चलते हैं वापस से। अरे फ्रैंकलिन की कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या? अगर फ्रैंकलिन की कोई गाड़ी होती तो अभी मैं उसकी गाड़ी ही चुरा के लेके चला जाता, लेकिन ये तो खुद ही भिखा रही है, इसके पास कोई गाड़ी ही नहीं है। कैसे आएगा, अब तो ये आ भी नहीं पाएगा, मेरे अलावा पापा इसको मार डालेंगे। चलो पुक्की मैं बैठ गई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा धीरे चलाना प्लीज, थोड़ा सा धीरे चलाना, धीरे चलाना, धीरे चलाना। फाइनली योगा तो हो गया है, बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि लावा गॉड ने किस लिए बुलाया होगा। अब जिस लिए भी बुलाया हो, पहले नहाऊंगा उसके बाद जाऊंगा। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मजा आ जाती है। अब चलो चल के देखता हूँ शिनचैन क्या बना रहा है। भाई शिनचैन क्या बना रहा है भाई, कुछ मिलेगा खाने वाने को या फिर नहीं? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, जल्दी आओ, बाबी क्यों बनाए हैं मैंने, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अच्छा एक देना जरा खा के देखूं। हाँ यार काफी ज्यादा टेस्टी है भाई तुम्हारा बारबेक्यू तो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, टेस्टी तो रहेगा ही क्योंकि मैंने बनाया है। तो चलो पेट वेट तो भर गया है, अब चलो लावा गॉड के पास चलते हैं और देखते हैं भाई उसने अब हमें किस लिए याद किया है। पक्का किसी ना किसी को मारना ही होगा, क्योंकि वो उन लोग का काम ही है मारना पीटना, यही काम ही, उनके अलावा कुछ आता ही नहीं उन लोग को। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, बाकी सब लोग तो ठीक भी है, लेकिन वो जो छोटा वाला पुक्की है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वो बात बात पे लोगों को जान से मार देता है, गोली से भून देता है। हाँ भून तो देता है, लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो उसके दोस्त हैं, हमें वो नहीं मारेगा। तो आ जाओ शिनचैन, चलो चलते हैं अब लावा गॉड के पास। अरे फ्रैंकी भैया, ऐसे पैदल चलेंगे तब तो कल हो जाएगा हम लोग को वहां जाते जाते, और हम लोग फिर मार खाएंगे लावा गॉड से। अरे नहीं भाई नहीं, पैदल नहीं चलेंगे, मैंने अपनी कार बहुत सीक्रेट जगह पे छुपाई है, और सीक्रेट कार भी है ताकि कोई चुरा ना पाए। ये देखो लैम्बोर्गिनी है, और भाई अब इसमें बैठ गया, अभी देखो कितनी तगड़ी स्पीड है। आ रहा हूँ शिनचैन, चिंता मत करो, बर्नआउट और नॉट मार के दिखा दूँ सबको पहले। ये देखो कितना तगड़ा तगड़ा इसमें एग्जॉस्ट लगाया, अब चलो चलता हूँ नीचे। शिनचैन ये देखो मेरी नई कार जो कि मैंने छुपा के रखी थी। अरे वाह फ्रैंकी भैया, ये कार तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, मजा ही आ गई। अब तो हम लोग 2 मिनट में लावा गॉड के घर पहुंच जाएंगे। हाँ शिनचैन, 2 मिनट तुमने काफी ज्यादा बता दिया, लेकिन आज हम लोग दूसरे रास्ते से चलेंगे, आज हम लोग पीछे से चलेंगे ताकि और ज्यादा जल्दी पहुंच जाए, और सरप्राइज ही कर देंगे उन लोग को अपनी नई कार से और नए रास्ते से। और भाई साहब देख रहे हो कितनी तगड़ी भाग रही है, मजा आ जाता है इस कार को चला के। तो फाइनली लावा गॉड के इलाके में हम लोग पहुंच गए। ये देखो लावा गॉड का पैर, हम लोग उसके पीछे से जाएंगे और उसे एकदम शॉक्ड कर देंगे। देखा भाई क्या जंप मारी ना, मजा ही आ गया। अब चलो चलते हैं पुक्की और चिंकी के पास और उनको अपनी नई कार भी दिखाते हैं और काफी मजे करते हैं, और इन लोग का जो फालतू का काम हो वो भी पूरा करते हैं। स्पीड देख रहे हो शिनचैन कितनी मजेदार स्पीड है इसकी। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कार है और मजा ही आ जा रहा है इसको आगे चलाने में। मजेदार कार, वाह वाह क्या बात है। अरे ये तो प्लेन थी, हम लोग बच गए, वरना भी तो हम लोग लड़ ही जाते। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? ये देखो हम लोग आ गए अपनी नई कार लेके, लैम्बोर्गिनी है ना, खतरनाक कार। अरे वाह फ्रैंकलिन, ये कार कहाँ छुपा के रखे थे? मुझे तो दिखे ही नहीं, मुझे दिखी होती तो मैं तो चुरा के लेके भाग आता। तुम जैसे चट्टों की वजह से ही तो मैं अपनी कार छत पे रखता हूँ। अच्छा अच्छा, छत पे रखते हो, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे छत पे भी चेक करूंगा, और अगर मेरी कोई कार तो लेके भाग आऊंगा। पुक्की बेटा अब शांत हो जाओ, इस पूरी दुनिया का राजा होने के नाते अब मैं फ्रैंकलिन को एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम सौंपने जा रहा हूँ। हाँ राज,
राजा जी, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा। हाँ तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैंने अपने घर में 3 बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। उन पत्थर को एक बड़ी सी गाड़ी से तुम्हें सामने वाली रोड पे ले जाके रख देना है। उसके बाद जो भी उन 3 पत्थर को रोड से किनारे करेगा उसे 1 करोड़ रुपए और 1 गोल्डन कार मिलेगी। इस लावा गॉड का दिमाग हिल गया है लग रहा है। कुछ कहा क्या फ्रैंकलिन तुमने? अरे नहीं नहीं लावा गॉड राजा जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस ये पूछ रहा था कि मैं उन पत्थरों को कैसे लेके जाऊंगा, मतलब इतनी बड़ी बड़े पत्थर है वो कैसे उठा पाऊंगा मैं अपने हाथों से। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने एक बहुत बड़े से ट्रक का इंतजाम कर लिया है। तुम दोनों लोग जाओ और उस ट्रक को लेके आओ और उस ट्रक में उन पत्थरों को लादो। उसके बाद उन पत्थरों को लेके जाओ रोड पे और वहां पे रख दो। बस यही इतना करना है तुम्हें। अच्छा तो यहाँ पे है वो बड़ा वाला ट्रक। और भाई इसके टायर्स देखो कितने बड़े बड़े हैं, मुझसे बड़े तो इसके टायर्स है। वाह भाई चलाने में तो मजा ही आ जाएगा। और तो और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए हमारे पत्थरों को भी आसानी से उठा लेगा। तो लेट्स गो, चलो अब चलते हैं इसे लेके वहां पत्थर उठाते हैं, उसके बाद उसे रोड पे रख देंगे। लेकिन यार मुझे इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पत्थर रोड पे क्यों रखना है समझ नहीं आ रहा है। अब जो भी हो लावा गॉड ही समझेगा इस चीज को। हमें तो बस जो काम मिला मैं वही करूंगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और सिंचैन तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम जाओ बाहर चले जाओ, वरना अभी इसके नीचे आ गए ना चटनी बन जाओगे। यार इसे चला के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हाथी के ऊपर बैठा हूँ, इतना ऊपर इतना भारी। और मजा ही आ गई भाई, अब समझ में आया लावा गॉड राजा क्यों है, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छी अच्छी तरकीबें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स है और बहुत ही तगड़ा वाला ट्रक है। अब इस ट्रक को बस इसके पीछे लगा देना है जहाँ पे ये पत्थर है, उसके बाद इन पत्थरों को लाद लेना है, उसके बाद काम हो जाएगा अपना। ओके अब तो मैंने सही जगह लगा दिया है, अब बस इससे उतरना है और उन 3 पत्थरों को इसके ऊपर लाद देना है, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो ऑल राइट गाइस, मैंने इन 3 पत्थरों को लाद तो दिया है, बट अब ये सही से रखे रहे बस, बाकी तो सब ठीक है। और सिंचैन हट जा भाई हट जा, वरना भी टायर के नीचे आएगा चटनी ही बन जाएगा। हट जा भाई, चलो कोई बात नहीं, नहीं हटोगे तो मैं किनारे से निकाल लेता हूँ। और गिरना नहीं यार, एक पत्थर मुझे लग रहा गिर जाएगा। हाँ एक पत्थर गिर गया, कोई बात नहीं, मैंने उसे दोबारा रख लूँगा अभी आगे चल के। लेकिन अभी आगे चलता हूँ थोड़ा धीरे धीरे आराम से चलता हूँ। वो वाला पत्थर भी मैंने रख लिया है, अब और आगे चलता हूँ और आराम से अब धीरे धीरे और आगे चलता हूँ। और भाई साहब इतना बड़ा ट्रक में इतने बड़े पत्थर होने की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। अरे अरे सिंचैन हट जा भाई, तेरे ऊपर ही गिर जाएगा ये सारा पत्थर। यार हट जा भाई हट जा, तू जा घर पहले, तुम घर जाओ यार सिंचैन, अभी ये पक्का दब जाएगा, इसीलिए इसे पहले मैं घर छोड़ देता हूँ। सिंचैन घर नहीं जा रहा था इसीलिए मैंने उसे पुक्की के पास रख दिया है, अब वो पुक्की के पास आराम से रहेगा, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। और भाई यार इतना बड़ा बड़ा पत्थर है कि ढंग से गाड़ी नहीं चल पा रही। सोचो इतनी बड़ी गाड़ी है फिर भी नहीं चल पा रही है। तो पत्थर रख देते हैं। ऑल राइट पत्थर तो मैंने रख दिया है, सब कुछ सही जगह पे प्लेस भी कर दिया है, अब बस देखना ये है आगे क्या होता है। इस पत्थर को मैंने रख दिया लावा गॉड, अब आगे क्या करना है हमें बताओ बस। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ, तुम्हें मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब बस तुम्हें यहाँ पे खड़े रहना है पुक्की और चिंकी के पास। तो आ जाओ जल्दी से पुक्की और चिंकी के पास और वहाँ पे खड़े हो जाओ और सारा तमाशा देखो, और देखो राजा की कौन इज्जत करता है कौन राजा की इज्जत नहीं करता है। अरे राजा जी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है अब आप कह रहे हैं तो मान ही लेता हूँ और देखता हूँ अब आगे क्या होता है। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अरे 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 ये रास्ते में किसने पत्थर रख दिया है, पता नहीं कौन पागल इंसान ये रास्ते में पत्थर रखा, किसी की भी गाड़ी टकरा सकती है इसकी, पागल इंसान। इस देश का राजा बिल्कुल पागल है, इसको कोई अकल नहीं है, पता नहीं कौन इस देश का राजा है पागल कहीं का। मुझे अगर इस देश के राजा को मारने का मौका मिल जाए तो मैं उसकी चड्डी उतार के मारूं उसे, लेकिन वो मिल नहीं रहा। कौन है इस देश का राजा पागल कहीं का, बीच बीच में इतने सारे पत्थर रख दिया, ये देखो। अच्छा हुआ मैं बच के निकल गई, चलो अब आगे चलते हूँ, ये जिसको टकराना होगा टकराएगा, मुझे क्या, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज तो मैंने बहुत ढेर सारी आइसक्रीम बेच दी। अरे 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 मेरी गाड़ी टकरा गई, पागल कहीं के देख कर नहीं चल सकता। ये देखो यार मेरी गाड़ी टकरा गई, खूब सारा डेंट आ गया है, अब तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे अपने मालिक को। चलो कोई बात नहीं भर दूंगी, लेकिन ये सब हुआ इस पागल पत्थर की वजह से। ये पागल पत्थर ये बीच में पता नहीं किसने रख दिया पागल कहीं का। इस देश का राजा सचमुच पागल है, इस पत्थर को बीच बीच में पता नहीं क्यों रख दिया है, किसी की भी गाड़ी टकरा सकती है। अभी जैसे मेरी गाड़ी टकरा गई, देखो वहाँ पे एक और गाड़ी टकराने वाली है लेकिन वो टकरा नहीं रही है। ऐसे ही बहुत
बहुत सारे लोगों की गाड़ी टकरा सकती है और लोग मर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या, मैं तो अभी किनारे से निकाल के चली जाऊंगी। जिसको मरना होगा मरेगा, जिसको बचना होगा बचेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना जानना है इस देश का राजा इतना पागल क्यों है। पागल कहीं का, ये बीच बीच में पत्थर रखवा दिया, पागल कहीं का, ये राजा पागल ही हो गया है एकदम से, ये बीच बीच में पत्थर रखवा देता है, पागल कहीं का राजा इस देश का। जल्दी से चलता हूँ, आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लेता हूँ और उसको अपनी चमचमाती हुई नई नई कार दिखाऊंगा तो वो खुशी हो जाएगी। एक बार आप लोग भी देखो मेरी नई नई कार कितनी अच्छी है। वाह वाह क्या बात है, आज मेरी गर्लफ्रेंड एकदम खुश हो जाएगी। ये क्या हुआ, मेरी कार पत्थर से टकरा गई, ये किसने रखा, पागल राजा कहीं का, इस देश का राजा कितना पागल है, ये तो सड़क पे पत्थर भी नहीं हटवा सकता है, पागल कहीं का। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं मरने से बच गया, वरना कोई और होता ना तो मर ही जाता। लेकिन मुझे क्या, मैं किनारे से चलता हूँ। ए भैया हटो यार, जाने तो मुझे यार, यहाँ पे देख रहे इतने सारे पत्थर है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, अचानक से मैं लड़ गया, मेरी नई नई कार खराब हो गई। अरे तुम कहा उस पत्थर के बीच में जा रहे हो, अभी लड़ जाओगे तुम्हारी भी कार खराब हो जाएगी। अरे पागल इंसान, तुम उसके ऊपर काहे चढ़ा दे रहे हो, पागल कहीं के, तुम्हारे पास भी बुद्धि नहीं क्या इस राजा के जैसे, इसने अपने सड़क के ऊपर इतना सारा, अरे यार ये सच में पागल है, पत्थर के ऊपर से दिख जा रहा है, वो देखो फिर से ठोक दिया, सचमुच इस देश का राजा पागल ही होगा, इसीलिए उसने सड़क पे इसे पत्थर रखे। देखो बार बार लोग टकरा रही है, देखो बार बार लोग टकरा रहे हैं, बार बार मर रहे हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्यों इस देश के राजा को अकल ही नहीं आती है, देश के राजा पागल है, इस देश का राजा पागल है। यार मैं यहाँ से एक पत्थर हटा भी तो सकता हूँ, हाँ ऐसा ही करता हूँ, यहाँ पे से एक पत्थर हटा देता हूँ जिससे मैं लड़ा था, बाकी जिससे दूसरा कोई लड़ेगा वो अपना पत्थर हटाएगा, जिससे मैं लड़ा था मैं तो वाला पत्थर हटाने जा रहा हूँ भैया, आराम से यही वाला पत्थर था जिसमें मैं लड़ा था और मरते मरते बच गया था, इसको हटा देता हूँ, बाकी ये चिंता मुझे नहीं करनी है। मैंने गाड़ी के ऊपर तो लात लिया, ये पत्थर बहुत ज्यादा भारी है। अरे लावा गॉड जी, ये तो पत्थर हटा रहा है, अगर इसने पत्थर हटा दिया तो क्या इसे 100 करोड़ रुपए और एक गोल्डन कार मिल जाएगी? हाँ अगर इसने तीनों पत्थर हटा दिया तो इसे 100 करोड़ रुपए और गोल्डन कार दोनों मिल जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ एक पत्थर हटाया तो इसे कुछ नहीं मिलेगा। अरे ये पत्थर इतना ज्यादा भारी कि मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन शुक्र है मेरी गाड़ी में थोड़ा सा बूस्ट लगा है, तो मैं बोरे भाई आगे से हटाओ यार, अरे पागल इंसान मेरी गाड़ी के आगे ये गाड़ी लाके खड़ी कर दिया, मैं तो और कैसे जाऊंगा, अरे हट पागल कहीं के, एक तो मेरे देश का राजा पागल है, ऊपर से तू भी पागल है, मेरे आगे गाड़ी लगा दिया लाके। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे बूस्ट मार मार के इस पत्थर को किनारे कर ही देता हूँ, वरना मैं अगर टकरा गया तो कोई और भी टकरा सकता है। चलो थोड़ा सा और पावर दिखाता हूँ, उसके बाद अपनी गाड़ी को किनारे कर लेता हूँ। चलो 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 चलो, अरे यार मेरी गाड़ी तो बेकार हो गई, अब मुझे दूसरों की गाड़ी छीनना पड़ेगा, अब मेरी गाड़ी चलने के तो लायक है नहीं, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा लोड आ गया कि इसके सस्पेंशन सारे बेकार हो गए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ देता हूँ और दूसरे की गाड़ी लेकर चला चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने जाना है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। ये गाड़ी यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो बेकार ही हो गई है, अब चलो 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 चलो। अरे यहाँ तो आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही, एक गाड़ी दिख रही है लेकिन इसका मालिक खड़ा है। चलो कोई बात नहीं, चुपके से जाता हूँ और इसकी गाड़ी लेके भाग जाता हूँ, इसको पता भी नहीं लगे ये मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहा है। अरे यार इसको तो पता लग गया, ए मेरी गाड़ी वापस कर, चल निकल मेरी गाड़ी से, मेरी गाड़ी वापस कर, पागल कहीं के, मेरी गाड़ी क्यों चुरा रहा है तू, हाँ बोल मेरी गाड़ी क्यों चुरा रहा है। उसको ऐसा मारा कि वो भाग गया। अब इसकी गाड़ी लेके जाता हूँ वापस से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, मजा आ गई, नई नई गाड़ी मिल गई, लेकिन ये तो बहुत ही खचाड़ा गाड़ी मिली है। चलो कोई बात नहीं, जो मिला वो सही। अरे लावा गॉड जी, इसने तो सिर्फ एक ही पत्थर हटाया बस। हाँ इसीलिए इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। मैं तो इतना गरीब हूँ कि अब मुझे मरने का मन कर रहा है, मेरे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसीलिए मैं चड्डी बनियान में घूम रहा हूँ, आज इसी ट्रेन के नीचे आके मैं मर जाऊंगा, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता, उधर से ट्रेन आ रही है, अब मैं यही मर जाऊंगा, मुझे नहीं जीना इस गरीबी में, मैं मर जाऊंगा। अरे ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी में मतलब मेरी साइकिल में बूस्ट कहाँ से आ गया अचानक से, और मैं बच कैसे गया? शायद ही भगवान की कृपा थी, उन्होंने ही मुझे बचाया है, वरना मैं मर
ही जाता आज तो। चलो कोई बात नहीं, अब भगवान ने मुझे बूस्ट दे ही दिया तो हो सकता है इस बूस्ट का कोई काम हो। तो चलो आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं और आगे। एक बार और इस बूस्ट को चलाता हूँ। वाह वाह, कितना मरे, इतना बड़ा पत्थर किसने यहाँ पे रख दिया? ऐसे तो कोई भी मर जाएगा, ये बहुत बड़ा पत्थर है, जिसकी भी गाड़ी टकराएगी वो मर ही जाएगा। चलो इस पत्थर को किनारे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बूस्ट से तो ये काम ही नहीं कर रहा है। मेरा बूस्ट जैसे लग रहा है, लगता है ये पत्थर बहुत ज्यादा भारी है। बूस्ट की मदद से ठोक के तो ये पत्थर कहीं भी नहीं खिसक रहा है। चलो इसे अपने साइकिल में अटैच करके किनारे कर देता हूँ, ताकि कोई जख्मी ना हो जाए इस पत्थर की वजह से। चलो एक पत्थर किनारे कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे रख देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, यहीं पे इस पत्थर को रख देता हूँ, ताकि कोई घायल ना हो जाए, वरना काफी लोग मारे जाएंगे इस पत्थर की वजह से। एक पत्थर तो हो गया, अब ये दूसरा वाला पत्थर भी कर लेता हूँ। अरे इसमें तो मैं खुद ही नहीं दिख रहा हूँ, गायब हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी तरह से दर्द सह लूंगा, लेकिन इस पत्थर को किनारे कर दूंगा, वरना कोई भी आगे से टकरा जाएगा और मर जाएगा। इसीलिए मैं सबका भला चाहता हूँ। जिसने भी ये पत्थर रखा वो बहुत बेकार इंसान था, लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ, जो भी रखा हो वो बेकार तो था ही। मेरी साइकिल भी इसी पत्थर के बीच में फंस गई है, लेकिन छोड़ो, जाने दो, मैं चलता हूँ, मुझे साइकिल की भी जरूरत नहीं है, क्या ही करूंगा मैं साइकिल का। चलो अब वापस चलता हूँ, शायद भगवान यही चाहते हैं कि जो मेरे पास है वो भी खत्म हो जाए। चलो अब वापस चलता हूँ, मेरी साइकिल तो गई। अब एक साइकिल थी मेरे पास जो मैं किसी तरह से चलाता था। पता नहीं भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, एक साइकिल थी वो भी चली गई, अब मैं क्या करूंगा। रुक जाओ बच्चे, इधर आओ, पीछे मुड़ो और इधर आओ, जहाँ पे फ्रैंकलिन, शिनचैन, पुक्की, चिंकी खड़े हैं वहाँ पे जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे ये तो लावा गॉड राजा जी की आवाज है, जल्दी से चलता हूँ। क्या हुआ लावा गॉड राजा जी, बताइए क्या हुआ? जल्दी से तुम मेरे बेटे पुक्की के पास जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। आज से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो हम तुम्हें कभी गरीब नहीं रखेंगे। आ जाओ ब्रो, आ जाओ। लावा गॉड राजा जी ने आज एक चैलेंज रखा था कि जो भी सड़क पर रखे हुए पत्थर को हटाएगा उसे हम लोग 100 करोड़ रुपए देंगे, और तो और उसे एक गोल्डन कार देंगे। लेकिन लावा गॉड जी ऐसा क्यों करना चाहते थे? लावा गॉड जी का कहना ये था कि जो भी इंसान दूसरों के बारे में भी सोचेगा हम उसे बहुत सारा पैसा देंगे और उसे अमीर बना देंगे। तो आज का चैलेंज जो है वो तुमने जीत लिया है, क्योंकि तुमने दूसरों के बारे में भी सोचा, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। जब तुम उस पत्थर से टकराए अपनी साइकिल से, तो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम सबकी तरह किनारे से निकल जाओ, तुमने उस पत्थर को किनारे किया, जिसकी वजह से अब कोई नहीं टकराएगा उससे। हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, तुम सबके बारे में सोचते हो, और हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दिखाता हूँ, जल्दी आओ मेरे साथ। आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा गिफ्ट दिखा दूंगा, आज तुम पागल हो जाओगे इतना बड़ा गिफ्ट देके। कभी तुमने इतना सारा पैसा नहीं देखा होगा, कभी भी तुमने गोल्डन कार नहीं देखी होगी, लेकिन आज सारा पैसा गोल्डन कार तुम्हारी हो जाएगी। मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो, 100 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसे कोई थोड़ी किसी को दे देगा। मुझे पता है मुझ जैसे गरीब को देख के तुम लोग मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो ना, मुझे पता है। अरे नहीं, आओ जल्दी, ये देखो तुम्हारे सारे पैसे यहाँ पे रखे हैं, जल्दी आओ, दौड़ के जाओ, अपने सारे पैसे ले लो, समझे? हम तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहे हैं, मेरे पापा जो बोलते हैं वो एकदम सही बोलते हैं, वो कभी भी मजाक नहीं करते किसी से। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा तुम लोग ये सच कह रहे होगे, लेकिन चलो चल के देखता हूँ। अरे वाह, यहाँ पे तो एक गोल्डन कार रखी है, लेकिन यहाँ पे ये सारे पैसे असली हैं या नक? अरे ये तो बिल्कुल असली पैसे हैं, वाह वाह, इतने सारे पैसे, आज के बाद मुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, इतने सारे पैसे मुझे मिल गए। मुझे तो रोना आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, मेरे पास चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं थे, आज मेरे पास एक गोल्डन कार है और इतने सारे पैसे हैं। मैं भूख से रोज तड़पता था, लेकिन आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा, वहाँ मजा आ गई, तुम लोग की वजह से आज मेरा किस्मत बदल गई, आज मुझे गोल्डन कार चलाने का मौका मिलेगा और मैं एकदम पैसे लेके यहाँ से भागूंगा जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है,
मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। थैंक यू लावा गॉड, थैंक यू आइस गॉड, तुम दोनों का थैंक यू। राजा की जय हो, लावा गॉड राजा की जय हो। सारे पैसे रख लिए हैं, हम जल्दी से चलता हूँ यहाँ से। वाह मुझे आ गए इतने सारे पैसे देख के। थैंक यू पुक्की, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे रुक जाओ, मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ दो प्लीज ना, मैं भी आ रहा हूँ। अरे आ जाओ, मैं रुका हूँ, जल्दी से आ जाओ, तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। मैं पहले जाके अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना खिलाऊंगा, उसके बाद आऊंगा यहाँ पे। थैंक यू लावा गॉड, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रैंकलिन, शिनचैन, चिंकी, पुक्की, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। आज सिर्फ पत्थर हटाने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। राजा जी आपका थैंक यू, लावा गॉड राजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आइस गॉड का राजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ, मेरे बेटे को उतार दो। और सुनो, ऐसे ही तुम ईमानदारी के साथ जीना समझे, कभी भी लालच मत करना और दूसरों के बारे में हमेशा सोचना, तभी तुम अमीर बने रहोगे। जिस दिन तुमने लालच किया उस दिन ऑटोमेटिक ये सारे पैसे और तुम्हारी कार्ड सब कुछ गायब हो जाएगा, इसीलिए कभी भी लालच मत करना, ठीक है? और हाँ, जब भी किसी की वीडियो देखना तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ठीक है लावा गॉड राजा जी, ठीक है आइस गॉड राजा जी। मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में पहले सोचा, इसीलिए आज शायद मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। मैंने जब भी किसी का भी वीडियो देखा तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब किया, इसीलिए मैं आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ, इतने पास इतने सारे पैसे हैं। तो आप लोग भी जब भी किसी का वीडियो देखो तो सब्सक्राइब करो, तभी आपके पास पैसे आएंगे। सब्सक्राइब करो।